दोस्तों, क्रिकेट आज दुनिया का एक लोकप्रिय खेल बन चुका है। लेकिन आज आप क्या जानते हैं क्रिकेट से जुड़े इतिहास की कुछ बातें? आज हम आपको वही बातें साझा करने वाले हैं। आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है और मैं हूँ विकास टेकरे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट के इतिहास में पहला रन, पहला फोर और पहला सिक्स किसने मारा था? तो ये बात हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, क्रिकेट के इतिहास में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच था 3 जून 1877, जब ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य पहला मैच खेला गया था। और क्रिकेट के इतिहास में पहला टॉस जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, और ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करना ज़्यादा पसंद किया और ओपनिंग पर उतरे चार्ल्स बैनरमैन और जो डार्लिंग। दोस्तों, क्रिकेट इतिहास में पहला रन लिया था चार्ल्स बैनरमैन ने, और क्रिकेट इतिहास में पहला चौका भी मारा था चार्ल्स बैनरमैन ने। और आपको बता दें कि क्रिकेट इतिहास में पहला ट्रिपल हाफ सेंचुरी यानी कि 3 अर्धशतक और 1 शतक मारने वाले व्यक्ति भी थे चार्ल्स बैनरमैन, और उन्होंने क्रिकेट के इतिहास के पहले ही मैच में 165 रनों की पारी खेली थी। और क्रिकेट के इतिहास में पहले सिक्स मारने की बात करें तो वे थे जो डार्लिंग, और ये दोनों ही खिलाड़ी थे ऑस्ट्रेलिया के और ऑस्ट्रेलिया के पहले मैच के। और दोस्तों, बात करें कि वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा सिक्स मारने वाले खिलाड़ी कौन हैं, तो आप भी जानते होंगे वे खिलाड़ी हैं क्रिस गेल। क्रिस गेल ने T20 के इतिहास में 679 छक्के मारे हैं। और बात करें वनडे मैच की, तो वनडे मैच की एक पारी में 16 छक्के मारने वाले खिलाड़ी हैं क्रिस गेल। और साथ ही अब उनके साथ जुड़ गए हैं रोहित शर्मा और एवी डिविलियर्स भी एक पारी में 16 छक्के मारने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इसलिए दोस्तों, हम इतिहास से अलग हो सकते हैं, उसे भूल सकते हैं, लेकिन कभी हम अपने इतिहास को मिटा नहीं सकते। इसलिए हमें हमारे वर्तमान के साथ साथ हमारे इतिहास से भी सीख लेनी चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर करें, और जय हिंद।